Hello students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 6. This is the series of Oxford New Enjoying Mathematics of class 6. हम chapter number 6 fraction पढ़ रहे हैं और उसमें हमने exercise 6d तक solve किया है और आज हम exercise 6 equation number 1 solve करेंगे add the following. So let's start. तो जैसे कि आपको पता है कि वीडियो ज़्यादा बढ़ा रहा हो इसीलिए मैं सारे एग्जांपल आपको सॉल्व करके देती हूँ. आपको बस चेक करना है और खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी, ठीक है. फिर भी आपके सामने ये एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको बस न्यूमरेटर को ऐड करना है. बहुत बच्चे यहाँ पे 6+4 10, 11+11 22 ऐसे करते हैं, पर आपको ऐसे नहीं करना है. जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. मतलब जब सेम डिनोमिनेटर होंगे तब. तो यहाँ पे सेम है ना, तो एज इट इज 11 लिखो और ऊपर 6+4 मतलब न्यूमरेटर हमें ऐड करना है. तो 6+4 आता है आपका 10. सो आंसर इज 10/11. तो अभी ए में देखो 2+2 4/5, सी 8+8 16/13. अभी ऐसे वाले केस में आपको क्या करना है, देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. मतलब 16 न्यूमरेटर बड़ा है तो आपको 13 से 16 को डिवाइड करना है. मैं यही पे आपको करके देती हूँ. देखो सो 13 यहाँ पे 13 आएगा और रिमाइंडर 3 आएगा. तो ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है. 1 आपका क्वेश्चन आया है वो पहले लिखना है, 3 रिमाइंडर आया है वो ऊपर लिखना है और ये 13 एज इट इज लिखना है, ठीक है. तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब लोवेस्ट टर्म में लेके आना है. यहाँ पे भी देखो 16/21 आया है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट डी में भी देखो 16/21. ई में 36/72 आया था, लेकिन आपको पता है 36 1 36 36 2 72, इसीलिए 1/2 इज द आंसर. एफ में 25 25 आया है, तो उसी नंबर को जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है. ये एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है. देखो यहाँ पे ये मिक्स नंबर है, तो आपको पता है मिक्स नंबर अगर होगा मिक्स फ्रैक्शन तो उसको आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप आपको सॉल्व करके दी है. आप ये दोनों स्टेप स्किप करते करके डायरेक्ट ये लिख सकते हो. जैसे कि आपको पता है 2 4 8+1 9/4, यहाँ पे भी देखो 4 2 8+1 9/4 ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कैसे किया है वो आप एक बार देख लो. एच एग्जाम्पल में भी सेम है, 3 3 9+1 10, 2 3 6+1 7, समझ में आ रहा है ना आपको. फिर ये 3 से 17 को डिवाइड किया तो आपको ऐसे आंसर मिलेगा. नेक्स्ट आई एग्जाम्पल में आंसर आया है 3 3/5. नेक्स्ट जे एग्जाम्पल देखो सेम है, पहले मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 7/6 7/6, 7+7 14/6, मतलब ही 2 1/3. नेक्स्ट के एग्जाम्पल में भी सेम, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 23/10 15/10 आया, फिर ऐड किया 38/10. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए डिवाइड किया तो आंसर मिला 3 4/5. नेक्स्ट एल एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ. देखो अभी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ये 2 8 16 16+5 21, सो 21/8+3. अभी 3 यहाँ पे मतलब ये न्यूमरेटर में है तो नीचे क्या होगा 1. अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 1 21+8 3 24/8 1 8 24+21 = 45 45/8. तो आपको पता है ना हम डिवाइड करते हैं, ये सब काम आपको रफ वर्क करना है, ठीक है. 8 5 40 और यहाँ पे आ जाएगा 5. सो ये लिखना कैसे, आपको 5 जो ऊपर आया नंबर वो यहाँ पे लिखना है, ये 5 जाएगा ऊपर और ये 8 नीचे, ओके. नेक्स्ट एम एग्जांपल में देखो सेम मिक्स नंबर है, तो पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे.
सो आंसर आया 36/8। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइड किया आंसर मिला 4/1/2। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल सेम, देखो आंसर क्या आया 5/5/6। अभी क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।